पड़ता है। भगवान कृष्ण की योगेश्वर रूप की एक तस्वीर यदि हम घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगाते हैं तो व्यक्ति के मन में नए विचार आते हैं और उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। दोबारा बताता हूं, भगवान कृष्ण की योगेश्वर रूप की तस्वीर आप लोगों के पास हो तो ठीक है, वरना गूगल से प्रिंटआउट हो जाती है, अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, हम डाल देंगे। इसी लाइव शो में अगर यदि आप लोगों को ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, उसके चारों ओर येलो रंग का एक फ्रेम होना चाहिए। आप लोगों को चाहिए तो हमको बता दीजिएगा, आई विल आस्क पीपल टू ऐड दी पिक्चर टू इट, उसको डाउनलोड करके वहां से, और आज हो पाए तो ठीक है, आप बाद में भी इसको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगा लेंगे तो, जैसे आज तो सब लोग बिजी होंगे, कल लगा लीजिए, आज से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। जिन लोगों के पास अवेलेबिलिटी है तो वो आज उसको डाउनलोड करके और प्रिंटआउट निकाल के उसको लगा लेंगे तो आपके घर के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होगा। चलिए अब वापस से अपने वास्तु सेशन के ऊपर आते हैं। पिछली बार हम लोगों ने शुरुआत से चर्चा की थी वास्तु पुरुष के बारे में, कैसे वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। उसके बाद हमने चर्चा की वास्तु पुरुष मंडल के बारे में कि वास्तु पुरुष मंडल क्या है असल में और कैसे वास्तु पुरुष मंडल की उत्पत्ति हुई। मैंने आप लोगों को एक प्रतीकात्मक स्टोरी के माध्यम से वह बात समझाई थी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ सवाल लिए थे और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना था कि वास्तु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। दोबारा से एक बार समझा देता हूं कि वास्तु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। देखिए मित्रों, मेरा घर और ये पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। उन पंच तत्वों के बने होने से हमारे शरीर पर उस पंच तत्व का ऐसा प्रभाव आता है कि यदि हम जिस घर में रहते हैं वहां पर कोई जल की दिशा असंतुलित है तो क्योंकि मेरा शरीर भी पंच तत्वों से ही बना है तो मेरे शरीर में उस दिशा का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी घर में जल तत्व यानी कि उत्तर दिशा डिस्टर्ब है या संतुलित है या किसी भी माध्यम से वहां पर इम्बैलेंस है तो व्यक्ति को क्या होगा, कैसे असर आएंगे कि उसको नए अवसरों में परेशानी आएगी। यदि वहां स्टोर बना दिया तो क्या होगा, व्यक्ति का मोटापा बढ़ेगा क्योंकि उसके जो इमोशंस हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और वो अपने इमोशंस को स्टोर करना शुरू कर देगा जिसके कारण उसके मोटापा बढ़ने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। यदि वहां अग्नि होगी तो उसके घर में जल और अग्नि दोनों तत्वों का इम्बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं कि किसी के घर में उदाहरण के तौर पे पृथ्वी तत्व असंतुलित है तो उस घर में रिश्ते प्रगाढ़ नहीं होंगे, उस घर में रिश्तों में स्थिरता नहीं होगी, उस व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात प्रभावशाली नहीं रहेगी। तो पिछली बार हम लोगों ने यह भी जाना था कि पंच तत्वों का या मेरी दिशाओं का मेरे शरीर पर क्या प्रभाव है। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि हर दिशा हमको क्या देती है या उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लाइफ में क्या है। तो सबसे पहली दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि है तो वह है उत्तर पूर्व वास्तु दिशा। उत्तर पूर्व वास्तु दिशा से मेरा मतलब है, अब एक इसी बीच में एक लाइव वीडियो चैट के लिए कोई सज्जन हमसे जुड़े हैं, चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो 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 हेलो, लगता है संजीव नाम लिखा हुआ है, लगता है संजीव जी से बात अभी नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं संजीव जी, दोबारा कोशिश कीजिएगा,
दोबारा बात करेंगे आपसे। तो हम थे उत्तर पूर्व दिशा के ऊपर। सबसे पहली दिशा वास्तु के अंदर उत्तर पूर्व दिशा है। उत्तर पूर्व दिशा हमको हमारे मन में न्यू आइडियाज और न्यू इंसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह दिशा हमको जीवन में नए आइडियाज और इंसाइट्स, ताकि हम तरीके से काम कर पाए और उस आइडियाज और इंसाइट्स को अमल में ला पाए। तो वो आइडियाज और इंसाइट्स जो हमें मिलते हैं वो हमें उत्तर पूर्व दिशा से मिलते हैं। उसकी अगली दिशा है, अभी मैं आप लोगों को मेन 8 दिशाओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बीच में एक कॉलर आए हैं, इनको भी लेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी जो है उत्तर दिशा के बारे में बात कर ली, अभी हम बात करते हैं पूर्व दिशा के बारे में। तो पूर्व दिशा का काम क्या है? पूर्व दिशा हमको सामाजिक जुड़ाव देती है। यह वह दिशा है जिससे हम जुड़कर अपने जीवन में राइट काइंड ऑफ पीपल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए एक कॉल ले लेते हैं बीच में। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? चंद्री जी, मैं मानसी बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ मानसी जी बताइए। मुझे आपसे पूछना था, ये हमारा जो किचन है वो ईस्ट साइड पे है और जो हमारा गैस है, जो चूल्हा होता है, वो साउथ को फेस करता है। तो क्या ये सही है दिशा खाना बनाने के लिए या अग्नि जलाने के लिए, आप बता सकते हैं? साउथ में अगर गैस फेस करे तो उसका क्या मतलब होता है? ओके, तो आपने अपना नाम क्या बताया? मानसी जी, आप मुझे एक चीज और बता दीजिए कि आपकी जो वो किचन है वो किस डायरेक्शन में है, जो चूल्हा किस डायरेक्शन में है, मुझे ये बताइए। जी ईस्ट ही है, चूल्हा ईस्ट में ही है, सूर्योदय होता है। अच्छा, तो आप अगर घर के सेंटर से देखिए, मुझे घर के सेंटर से जानना है, तो मेरे अनुमान से वो घर के सेंटर से ईस्ट में ही है जी। ओके, तो एक बात और मुझे बता दीजिए कि आपका जो स्लैब का कलर है वो क्या है? स्लैब जो चूल्हे के नीचे स्लैब है ना, जो मार्बल या ग्रेनाइट जो आपने लगाया, वो किस कलर है? वो ग्रे कलर की है। ग्रे कलर है। तो मानसी जी थोड़ा सा फिर तो कष्ट ये है कि आपको जो है सोशल एसोसिएशंस में डिस्टर्ब रहता होगा लाइफ, क्योंकि वो दिशा तो ठीक है चल जाती है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या है कि वो जो चूल्हा, जो चूल्हे के नीचे आपने स्लैब लगाया है ना ग्रे कलर का, वो उसको इम्बैलेंस करता है। तो ग्रे कलर का स्लैब नहीं होना चाहिए, ग्रे कलर का स्लैब नहीं होना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, और उस पे चूल्हा जलने से वह हमारे घर में दो तत्वों को इम्बैलेंस करता है। एक तत्व है आकाश तत्व और दूसरा तत्व है अग्नि तत्व, उसको इम्बैलेंस करेगा। तो आपके लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप उस चूल्हे के नीचे एक येलो रंग का पत्थर लाके रख दीजिए। मतलब चूल्हे के नीचे येलो बिल्कुल कलर का पत्थर रखें? बिल्कुल, चूल्हे के नीचे येलो रंग का पत्थर रख लेंगे तो आपको क्या होगा, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल चेंजेस वो आपका जो किचन है वो बैलेंस हो जाएगा। आपको सिर्फ चूल्हे के नीचे स्लैब के ऊपर, चूल्हे और स्लैब के बीच में एक येलो रंग का पत्थर रख लीजिए, आपकी किचन बैलेंस हो जाएगी जी। ठीक है। और अग्नि साउथ की तरफ जल रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो किचन के अंदर चूल्हा है, और हम सेंटर से देखेंगे तो वो आपका चूल्हा जो है वो किचन के साउथ में आप बता रहे हो, लेकिन वो किचन के साउथ से पहले क्या देखना है उसमें कि वो सेंटर से किस डायरेक्शन में पड़ रहा है। वो सेंटर से ईस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी। आपको आपको ये करते ही आपका घर का जो फायर का जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। आप इसको करके देखिए एंड आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। मैं आपके मेरे को आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, आपको आराम आ जाएगा उसी से। ठीक है मानसी जी, चलिए थैंक यू वेरी मच। ये मानसी जी थी दिल्ली से, ये पूछ रही थी कि इनका जो चूल्हा है वो ईस्ट डायरेक्शन में है और ये किचन के साउथ डायरेक्शन में खाना बनाती है। देखिए मैं सभी व्यूवर्स को एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि हम सेंटर से मेरी किचन का चूल्हा किस डायरेक्शन में है, क्योंकि किचन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चूल्हा। अग्नि फायर का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद बाकी चीजों का इंपॉर्टेंस आता है। तो ईस्ट के अंदर फायर मेरी सोशल कनेक्टिविटी को इम्बैलेंस कर देती है इफ इट इज नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, उसके नीचे जो पत्थर है
वो एक बैलेंसिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो यदि वो पत्थर वास्तु सम्मत है उस दिशा के, अब देखो मेरे को क्या करना है वहां पर, मेरे को एक फायर और एयर का बैलेंस लगाना है, तो वहां पर जैसे ही मैं येलो कलर का स्टोन लगाऊंगा मेरे को बैलेंस आ जाएगा। मानसी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे हम किस बात पे थे, हम थे पूर्व दिशा के ऊपर। चलिए अब हम निकिता जी का मैसेज आ रहा है। हाय निकिता जी, आई रिसीव्ड योर मेल। आपको थोड़ा सा और कष्ट करना पड़ेगा कि मैंने आप लोगों से ये भी मांगा था उसमें कि आपको मेरे को आपने प्लान तो भेज दिया लेकिन आपने उसमें डायरेक्शंस मार्क नहीं करी है निकिता जी कि आपका जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो कहाँ है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ निकिता जी, आपको क्या करना है, आपको घर के सेंटर से खड़ा हो जाना है, घर के सेंटर पे जाके और कोई कंपास का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा और उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आपको ये पता लग पाएगा आपके घर में डिग्रीज कहाँ कहाँ कौन सी मूव कर रही है। बड़ा आसान है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। और आप अपने प्लान का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, है ना, या आप अपने प्लान के ऊपर ही जैसे भी चाहे मार्क करके आप मुझे बता दीजिए घर में नॉर्थ यहाँ है या आपका किचन किस कितने डिग्रीज पे है या टॉयलेट कितने डिग्री पे है, टॉयलेट का पॉट एंट्रेंस कितने डिग्री पे है, तो मुझे समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि अभी तो वो आपने प्लान भेज दिया है तो वो मेरे को प्लान से समझ नहीं आएगा, मेरे को प्लान के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपके डायरेक्शंस उस घर में कहाँ है। तो यदि आप मुझे वो आज भेज दोगे तो मैं कल, क्योंकि अभी तो हमारा ये जो लाइव सेशन है ये आज कल और परसों तीनों दिन है, तो मैं आपका ये प्लान आप मुझे आज भेज दोगे शाम तक तो मैं आपको ये कल आपका इस शो में पक्का ले लूंगा कि, और मैं आपको जितना हो सकेगा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको आपकी जो चीजें हैं उसके सॉल्यूशंस आपको जितना भी पॉसिबल होगा यहाँ पर बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निकिता जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो अभी हम थे कहाँ पर, अपनी बात पर वापस आते हैं। हम थे ईस्ट वास्तु डायरेक्शन। ईस्ट वास्तु डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सोशल कनेक्टिविटी इन माई लाइफ। मेरे जीवन में सामाजिक जुड़ाव मेरे को पूर्व दिशा से मिलते हैं। यदि मेरी दिशा मेरे घर में पूर्व दिशा असंतुलित है तो मैं राइट टाइम पे राइट व्यक्ति से जुड़ नहीं पाऊंगा। पता चला कि वक्त निकल गया तब मैं उसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या वक्त नहीं है तब मैं उसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा जो सामाजिक दायरा है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और मैं ऐसा समझता हूँ एक कंसल्टेंट के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए, या जो भी लोग जिनके साथ में, मेरे ख्याल से सबके साथ में सबको संबंधों की तो आवश्यकता है ही, सबको सामाजिक जुड़ाव बढ़ाना ही है, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ईस्ट डायरेक्शन। और ईस्ट डायरेक्शन के जो देव हैं वो है सूर्य देव। तो जो ईस्ट डायरेक्शन है उसका बैलेंस होने से मेरे को राइट काइंड ऑफ पर्सन, अगर वो, अब हम बात करते चलते हैं कमर्शियल में, अगर वो शॉप में वो डायरेक्शन बैलेंस नहीं है तो मुझे राइट काइंड ऑफ क्लाइंट नहीं आएगा। राइट काइंड ऑफ क्लाइंट एट राइट टाइम मेरे को दुकान पे नहीं मिलेगा, या मेरे को अपनी फैक्ट्री में नहीं मिलेगा, या मेरे को अपने शोरूम पे नहीं मिलेगा। तो मेरे को राइट काइंड ऑफ क्लाइंट अगर चाहिए और राइट टाइम पे चाहिए तो मुझे कहां से मिलेगा, यदि मेरी पूर्व दिशा संतुलित होगी। अच्छा, इसकी अगली दिशा क्या है, इसकी अगली दिशा है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व दिशा मेरे को जीवन में ओजस देती है। ओजस से मेरा मतलब है एक उजाला, अग्नि तत्व की दिशा है। यदि ये बैलेंस रहेगी तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी घर में, प्लस मेरे पैसे फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मेरे पैसे नहीं फंसेंगे जीवन में। और एक चीज, वहां पर यदि किचन होने से मैं ओवर एनहांस रहूंगा, ओवर एनर्जाइज रहूंगा, हमेशा मेरे मन में काम रहेगा, मैं काम के प्रति हमेशा सतर्क रहूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण पूर्व में दिशा में किचन चल जाती है। उसके बाद अगली दिशा है, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दक्षिण पूर्व दिशा में यदि इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में इम्बैलेंस होगा तो मेरे पैसे फंसने के चांसेस बहुत रह जाते हैं, मेरे अंदर फायर जो अग्नि चाहिए जीवन में वो नहीं रहती है, मैं हमेशा थका थका रहता हूं। ठीक है, व्यक्ति हमेशा थका थका रहेगा जिस घर में दक्षिण पूर्व दिशा बैलेंस नहीं है। वह उस काम को, उस आग जो काम को करने के लिए आग चाहिए, वो आग उस पर नहीं रहेगी, और वो आग ना रहने के कारण उसके काम टाइम पर नहीं हो पाएंगे और वह अपने कामों के लिए परेशान रहेगा।
चलिए उसके बाद अगली दिशा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ डायरेक्शन, एंड साउथ डायरेक्शन को वैदिक वास्तुशास्त्र के हिसाब से यम की दिशा कहते हैं। यम मतलब जो हमारा जीवन में काम पूरा हो गया उसके बाद यम जी आ जाते हैं, यमराज जी आ जाते हैं। तो यहां पर उस बात का तात्पर्य यह है कि उस कार्य का पूरा होना, मरना तो सबको ये दोस्तों ये तो प्रारब्ध को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, लेकिन मरने से पहले के जो काम है उनको पूरा करना, वह दक्षिण दिशा से मिलता है। मेरा आराम, मेरा यश, मेरा वैभव, मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मेरी कीर्ति, मेरे को कितना क्रेडिट मिलेगा मेरे कार्यों से, मेरा नाम तो खराब नहीं होगा, यह मेरे को दक्षिण दिशा से पता चलता है। उसके बाद अगली दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा। यह दक्षता की दिशा है, मेरे स्किल्स की दिशा है, मेरे स्थायित्व की दिशा है, मेरे जीवन में कितना मेरे द्वारा बोले गई बातों से सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, मेरे जाने से किसी के यहां पर या मेरे रिश्ते से सामने वाले व्यक्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह दक्षिण पश्चिम दिशा से पता चलता है। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में जल तत्व आ गया तो रिश्तों में कीचड़ कर देगा, अग्नि आ गई तो रिश्तों में आग लगा देगा। तो दक्षिण पश्चिम दिशा इसीलिए वास्तुशास्त्र के अंदर एक इंपॉर्टेंट दिशा मानी जाती है, और यदि व्यक्ति की यह दिशा बैलेंस रहेगी तो वह अपने कार्यों में दक्ष होता है, वह अपने रिश्तों को बड़ा सहेज के रखता है, उसके रिश्ते जीवन में बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं, वह अपनी तरफ से रिश्तों को खराब नहीं करता है, उसकी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं रिश्तों को संभाल के चलूं, और वह रिश्तों से लाभ भी पाता है। लाभ की दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का कार्य क्या है? मेरे जीवन में मेरे द्वारा किए गए कार्यों से मेरे को लाभ कैसे मिलेगा, यह पश्चिम दिशा से पता चलता है। मेरे द्वारा किए गए कार्यों से मुझे कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, मेरे को नुकसान तो नहीं होगा। यदि वहां पर वायु तत्व आ गया, वायु तत्व आने का मतलब क्या, अगर यदि हमने वहां पर पश्चिम दिशा में पेड़ भी लगा दिए तो क्या होगा, मेरे को जीवन में मेरे मन चाहे लाभ या प्राप्तियां नहीं मिलेंगी। अब पश्चिम दिशा का काम है लाभ देना। यदि मैंने वहां पर हरा रंग पेड़ लगा दिए तो वे क्या करेंगे, मेरी प्राप्तियों में मुझे दिक्कतें पैदा देना शुरू कर देंगे। यह बहुत ही आदर्श क्षेत्र है किचन के लिए, यह बहुत ही आदर्श क्षेत्र है बेडरूम के लिए। यदि कोई मालिक ऑफिस के, यदि कोई फाइनेंस रिलेटेड लोग यहाँ बैठते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। तो जो फाइनेंस वाले लोग हैं वो यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा डायरेक्शन है ये। जो बच्चे घर में पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी दिशा है। आगे बात करेंगे उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा के बारे में। उत्तर पश्चिम वास्तु दिशा का काम क्या है मेरे जीवन में? सपोर्ट और बैंकिंग देना, धन का सहयोग दिलाना, कैश इन हैंड, वक्त पे मेरे को सपोर्ट मिलना, किससे? मेरे परिवार से, मेरे प्रियजनों से, मेरे आसपास के लोगों से। जिन लोगों को वक्त पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ ना कुछ इंबैलेंस रहता है, और जिसके कारण वो स्वयं भी लोगों को सपोर्ट देना बंद कर देते हैं तो उनका मिलना भी बंद हो जाता है। अब यदि हम उत्तर पश्चिम दिशा में अग्नि जलाएंगे और यदि वो बैलेंस नहीं है तो उस घर में लेडी को बड़ी परेशानी हो जाती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, और साथ के साथ पति पत्नी आपस में सहयोग नहीं करते। साथ ही साथ मेरे जो प्रियजन है, मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे बंधु बांधव, वो भी सपोर्ट नहीं करते। अब बात करेंगे किसकी, अब बात करते हैं आठवीं दिशा जिसका नाम है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का क्या काम है? मेरे को जीवन में जितने उत्तर चाहिए उसके लिए उत्तर दिशा रिस्पॉन्सिबल है। जल तत्व की दिशा है। यदि उत्तर दिशा घर में बैलेंस रहेगी तो क्या होगा, राइट टाइम पे
राइट अपॉर्चुनिटीज मुझे प्राप्त होंगी। अग्नि होगी तो क्या होगा, अग्नि होगी तो इंबैलेंस क्रिएट करेगा, और यदि वहां पर लगभग 45 से 50 इयर्स के ऊपर के व्यक्ति सो रहे होंगे, उन्होंने अपना बेडरूम बनाया। जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि गूगल पे हमने पढ़ा के या हमें जानकारी मिली किसी मित्र से कि डायरेक्शन नॉर्थ जो है वो सोने के लिए बढ़िया है, तो क्या हो जाता है कि हमने वो डायरेक्शन ली और हमने वहां पर सोना शुरू कर दिया। तो अब क्या होता है कि हम वहां सो तो लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमको नींद से संबंधित प्रॉब्लम देता है, और वो नींद से संबंधित प्रॉब्लम क्या है, अभी मेरे साथ शायद अभिषेक जी हैं लाइन पर, नहीं ये संजीव जी दिखा रहे हैं, संजीव जी आपको आवाज आ रही है हमारी, संजीव जी आपको आवाज आ रही है, हेलो, हाँ जी संजीव जी, यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। या अभी आप सुन सकते हैं हमको? नमस्कार, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार, बस नमस्कार। बढ़िया सर, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारी जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है उसमें हमारे फ्लैट की जो एंट्रेंस है दैट इज साउथ ईस्ट फेसिंग। ओके, सो इज इट गुड बैड और सो लेट्स से वंस आई गो आउट ऑफ द फ्लैट देन आई एम फेसिंग साउथ ईस्ट। ओके संजीव जी, आपके पीछे शायद कोई म्यूजिक चल रहा है मेरे ख्याल से ना। अब बताइए संजीव जी क्या, तो लेट अस सपोज यू आर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो आपको अब, आप मेरे को सुन पा रहे हैं संजीव जी? चलिए मैं आपको संजीव जी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में बता देता हूं। आपने मुझे बोला कि आपका एंट्रेंस जो है साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट एंट्रेंस इज नॉट अ गुड वन, साउथ ईस्ट एंट्रेंस अच्छी नहीं है, साउथ ईस्ट एंट्रेंस में के मकान में रहने से मेरे को कैश फ्लो और फायर, मेरे पैसे फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं और मेरे को कैश फ्लो में दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, जिस तरीके से मेरा कैश फ्लो होना चाहिए, जिस तरीके से मेरे पास मेरे कार्यों की पूर्ति होनी चाहिए वो होती नहीं है, क्योंकि वहां पर फायर इम्बैलेंस कर लिया आपने जी। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है संजीव जी? हाँ आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, तो बेहतर क्या है, आप मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ मालूम है क्या आपको? मेरा डेट ऑफ बर्थ 18th नवंबर 1970। एक मिनट संजीव जी, 18th नवंबर 1970। जरा मैं आपको बताता हूँ कि आपको 1970 टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 6:58 AM। 6:58 AM प्लेस क्या है? ETAH एटा। ओके, यूपी जी। हाँ, तो संजीव जी आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं आपको आपको शायद आपको मेरी आवाज मेरे ख्याल से फिर भी आती रहेगी, आप अपने मैं आपको आपका आप पहले तो मुझे ये बताइए आपको कैश फ्लो और फायर से रिलेटेड आपको क्या कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, कैश फ्लोस की प्रॉब्लम रहती है शर्मा जी, रहती है ना? हाँ बिल्कुल आती है। तो मैं आपको ना उसका भी बस ये आपकी जरा डिटेल्स फेच हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करोगे तो उसमें आपको आराम आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि काम क्या करते हैं आप अभी। संजीव भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज आ रही है आपको? क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? थोड़ा म्यूजिक चल रहा है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लैपटॉप में सॉरी किधर चल रहा है, मैं इसको बंद करने की कोशिश। हाँ अभी शुड बी नाउ, इट शुड बी ओके, आई गेस नाउ इट शुड बी ओके।
ओके, तो अब आप एक काम कीजिए, आपको मैं बताता हूँ, आपको ये अपने जो आपका थ्रेशहोल्ड है ना, थ्रेशहोल्ड होता है ना, जो ये मेरा एंट्रेंस होता है इस तरह से, जो बीच का जो जिसको हम बोलते हैं, जो मेरा चौखट होती है, मकानों में आजकल मकानों में तीन खट बनती है, चौखट बनती नहीं है अगर आपने ध्यान दिया। हाँ, वो तो होती नहीं है, है ना? तो ये मकान आपका है? नहीं नहीं, ये फ्लैट कंपनी का है। कंपनी का है, ओके। तो आप एक काम कर लीजिए, इसके ऊपर एक लाल रंग की टेप, 4 इंची चौड़ी आपको बाजार में टेप मिल जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ना? आप एक लाल रंग की टेप जी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप काम क्या करते हैं। आईटी में हूँ मैं, आईटी से रिलेटेड काम है, प्लेटफॉर्म वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह का। अच्छा, तो आप वेबसाइट्स बनाते हैं? हाँ, वेबसाइट बनाते नहीं है, प्लेटफॉर्म है, जैसे जो होलिस्टिक लिविंग मेरा एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम काफी सारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या जैसे आप वास्तु शास्त्री हैं, या कुछ वेलनेस कंसल्टेंट हैं, उनको हम होस्ट करते हैं और ऑनलाइन उनको कॉल करवाते हैं। वाओ, चलो तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप जो है लाल रहने दीजिए, आप हरे रंग की पट्टी जो है ना, हरे रंग की 4 इंची चौड़ी टेप लीजिएगा। हाँ, और अपनी जमीन के ऊपर, जैसे अब मैं आपसे उसकी चौखट बनवा रहा हूँ हरे रंग की, आइए आपको बात समझ, तीन खट बनते हैं आजकल। समझ गया, चौखट भी है हमारे यहाँ पे, चौखट भी है, नीचे स्लैब है मार्बल की, छोटी वो पतली वाली स्लैब है, 3 इंच मार्बल की स्लैब जो है, मेरे को वो हरे रंग की चाहिए एक्चुअली। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप उसमें हरे रंग का, आप उसको हरे रंग का टेप लगा दीजिएगा उसमें। ओके, है ना? किचन किस डायरेक्शन में है, कुछ अंदाजा है आपको? एक चौखट किस डायरेक्शन में है? किचन, किचन, किचन भी उसी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में ही है किचन भी। ठीक है, और उसमें पत्थर किस रंग का है? उसमें ब्लैक स्टोन है, कोटा स्टोन की स्लैब है उसमें, ग्रे कलर वाली। ब्लैक या ग्रे? वो ग्रे है, कोटा स्टोन होता है ना अपना, उधर कोटा स्टोन जो ग्रे कलर का, हरे रंग का पत्थर है, उसके नीचे लगा दीजिएगा। अच्छा, सिंक के या प्लेटफॉर्म के नीचे? या सिंक के नीचे, सिर्फ आपका जो चूल्हा है उसके नीचे। उसके नीचे, अच्छा, स्टोव के नीचे। आपके काम में बढ़ोतरी हो जाएगी संजीव भाई, आप सिर्फ इतना कर दीजिए, आपके काम में बढ़ोतरी हो जाएगी और आपके कैश फ्लो में एनहांसमेंट हो जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे थे, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। ओके, सो अभी हम लोग बात कर रहे थे उत्तर दिशाओं के, हमने अभी बहुत शॉर्ट में समझा कि दिशाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर दिशा की चर्चा कर रहा था, तो उत्तर दिशा में मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तर दिशा जल तत्व की दिशा होने के कारण रिस्पॉन्सिबल है मेरे को न्यू अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। तो जब मुझे लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और यदि मेरी उत्तर दिशा बैलेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए परेशान रहूंगा। साथ ही साथ अब मुझे एक चीज और ध्यान देनी है कि इन दिशाओं में इम्बैलेंस कैसे आ सकता है, यह समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि होता क्या है, मैंने ये तो बता दिया आप लोगों के कि वो उसके बैलेंस से इम्बैलेंस से क्या होता है। सबसे पहली चीज है, जो सबसे बड़ा इम्बैलेंस घर के अंदर जो क्रिएट करता है, वो है दोस्तों टॉयलेट। उसके बाद मेरी एंट्रेंस किस दिशा में है, आगे आने वाली सीरीज में आप लोगों से एंट्रेंस के बारे में भी चर्चा करूंगा कि किस एंट्रेंस का घर में क्या प्रभाव रहता है। मेरा टॉयलेट की जो पोजीशनिंग है, आजकल हो क्या गया है वक्त के साथ साथ कि हम लोगों को हर बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट चाहिए, तो कहीं ना कहीं जब वो टॉयलेट पॉजिटिव डायरेक्शंस में आ जाती हैं, तो वो उसको हैम्पर करना शुरू कर देती है उस डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जीज को। तो अभी क्या होता है, जब हमने वो अभी टॉयलेट की ही चर्चा की, तो वो टॉयलेट एक तो इफेक्ट करता है क्रिएट, दूसरा क्या है कि वहां के एनर्जी फील्ड्स अगर कमजोर होंगी, तो वो जो एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है उस डायरेक्शन का, जो मैंने आप लोगों को देवीय शक्ति वास्तु पुरुष के माध्यम से समझाया था, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस यदि रहेगा,
तो मेरे को वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नहीं आ पाते हैं मेरी लाइफ में जिसके लिए मैं कार्य करता हूं। ओके नाउ और एक चीज होती है, जैसे मेरे घर में किचन, किचन का काम क्या है? फायर रूम, फायर। मेरे जीवन में जो फायर है वो किचन देती है। तो यदि किचन रॉन्गली प्लेस्ड रहेगी तो वो जो अग्नि है वो मेरे घर में, और साथ ही साथ जब वो घर में इम्बैलेंस होगी तो मेरे शरीर में भी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो अग्नि का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर हम तत्वों की बात करें, पंच तत्वों की बात करें, तो मैं आप लोगों से पंच तत्वों के बारे में एक चर्चा करना चाहता हूं, जो मेरे आज एक यह भी मेरे आज इस शो का विषय है कि पंच तत्वों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। देखिए मित्रों, पंच तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जल की दिशा क्या है? उत्तर दिशा। उत्तर पूर्व दिशा भी जल की है, थोड़ी सी यहां पर धरती भी है। वायु की दिशा क्या है? पूर्व दिशा। इसीलिए पेड़ अति उत्तम होते हैं पूर्व दिशा में लगाना। उसकी अगली दिशा क्या है? अग्नि दिशा, दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा। इसका काम है जीवन में अग्नि प्रदान करना। दक्षिण पूर्व के अंदर हालांकि थोड़ी सी अग्नि भी होती है, और अग्नि के साथ साथ धरती भी होती है, क्योंकि अग्नि को जलाने के लिए हमको धरती चाहिए। उसके बाद अगली दिशा क्या है? और साथ ही साथ अगला उसके साथ में जुड़ा हुआ तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व। और दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम पृथ्वी तत्व क्यों है? क्योंकि उसका कार्य है हमें जीवन में भार देना। भार से मेरा मतलब है स्थायित्व प्रदान करना। उसकी अगली दिशा है आकाश तत्व। आकाश तत्व कौन सी है? पश्चिम दिशा। और मध्य में जिसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं, जहां जहां से इस वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है, तो जो घर का ब्रह्म स्थान है वहां पर भी जो तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। तो जैसे जैसे हम जाने अनजाने में घर में इन तत्वों का ध्यान से पालन नहीं करते हैं और इनके बैलेंसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं, वही सेम इम्बैलेंस मेरी लाइफ में आता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, जल का काम क्या है? जल का स्वभाव है बहना। तो यदि यह जल तत्व घर में ज्यादा होगा तो व्यक्ति ओवर इमोशनल हो जाएगा, कम होगा तो अनइमोशनल हो जाएगा। उसकी मानसिक क्षमता कमजोर हो जाएगी यदि जल का जो तत्व है घर में कमजोर होगा। यदि वो बढ़ जाएगा तो उसको कफ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, उसको खांसी जुखाम निरंतर बना रहेगा। यदि वहां किचन आ गई तो 100% उसको कफ के विकार हो जाएंगे। तो पंच तत्व कोई आज की चीज नहीं है। देखिए आज जन्माष्टमी है तो हम सब लोग भगवान को पंचामृत चढ़ाएंगे। पंचामृत भी क्या है? पंच तत्व। साथ ही साथ अब देखिए तो हम क्या होगा, हम लोग आयुर्वेद के अंदर भी पंच तत्वों का ध्यान रखते हैं। किस रूप में? वात पित्त और कफ के रूप में। वो भी पंच तत्वों की बैलेंसिंग है। यज्ञ करते हैं तो उसमें भी पंच तत्व बैलेंस होते हैं। जब हमारे शरीर में जल बढ़ जाता है तो जो दवाई हम खाते हैं वो हमारे उस जल को कंट्रोल करने के लिए होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमको धरती प्रदान करते हैं। धरती से मेरा मतलब है उस जो मेडिसिन है उसके अंदर धरती तत्व होता है, जिसके कारण वो हमारे जल को बैलेंस कर लेती है। और मैं वापस फिर से अपनी बीमारी से ठीक होकर अपने जीवन शैली में आगे बढ़ने लगता हूं। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे थे जल तत्व की। जल तत्व के बाद अगला तत्व क्या है? वो है वायु तत्व। वायु तत्व का स्वभाव क्या है? वायु क्या है? वायु है मेरी श्वास। श्वास यानी कि सांस लेना। तो सांस किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो जीवन में पेड़ों का सांस से, जब भी हमें स्वच्छ सांस चाहिए तो हम कहां जाते हैं? पेड़ों के पास। और देखिए जो सांस है, जो मेरा सामाजिक जीवन है, वो कहीं ना कहीं मेरा वायु तत्व से इसीलिए ही जोड़ा गया है। और इसका रंग है हरा। पेड़ों का रंग क्या है? हरा। जिस तरह से जल का रंग क्या है? नीला। और जल का काम क्या है?
बढ़ना। इसी तरह से वायु का तत्व क्या है, श्वास। मेरे को स्वच्छ श्वास चाहिए तो वापस मुझे पेड़ों के पास जाना पड़ता है। यदि मेरे घर में वायु तत्व इंबैलेंस होगा तो क्या होगा, मैं अपने रिश्तेदारों में, मैं अपने नातेदारों में और मैं अपने सामाजिक जीवन में जुड़ा जुड़ा महसूस नहीं करूंगा, मेरे को कुंठा होगी, मेरा मन नहीं करेगा उन लोगों से बात करने का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे को वहां घुटन होगी जाने से। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला तत्व कौन सा आता है, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या है, अग्नि तत्व है दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा। दक्षिण पूर्व से क्या, अग्नि अगर बढ़ जाए तो जला देती है, अगर कम रह जाए तो व्यक्ति को प्रोकासिनेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, उसका काम करने का मन नहीं करता है। तो यदि घर में अग्नि तत्व बैलेंस रहेगा तो क्या होगा, व्यक्ति की एनर्जी राइट डायरेक्शन में रहेगी और वो व्यक्ति अपने पूरे मन और लगन के साथ में उस कार्य को पूरा करेगा। यदि वह अग्नि इंबैलेंस रहेगी घर में या संतुलित रहेगी तो क्या होगा, व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्यों में क्रेडिट नहीं मिलेगा, व्यक्ति का नाम खराब हो सकता है, व्यक्ति के पैसे फंस सकते हैं, व्यक्ति को कैश फ्लो से संबंधित समस्या रह सकती है। अगली तत्व कौन सा है उसके बाद, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का काम क्या है, हमको जीवन में स्थायित्व देना। यदि वहां इंबैलेंस होगा, किस रूप में हो सकता है इंबैलेंस, किचन हो सकती है, टॉयलेट हो सकता है, वह इन फॉर्म ऑफ ढलान के रूप में वह हमारे उत्तर पूर्व से नीचा हो सकता है। जो चीज नीची वह जल तत्व, जो चीज धरती से ऊपर वह पृथ्वी तत्व। तो यदि वह ऐसा है तो भी हमको जीवन में, हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं इंबैलेंस रहेगा, हम अपने जीवन में वो स्थिरता प्रदान नहीं कर पाएंगे जो होनी चाहिए। दोस्तों आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, नंबर है 9818623946 और आप लोग मुझे अपना प्लान नीचे गई दी गई मेल आईडी जो कि chandreshsharma9@gmail.com पर मेल कर सकते हो। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के सवालों को यहां लूं और आप लोगों को प्लान के माध्यम से समझाऊं। मैं आप लोगों के सामने प्लान दिखाऊंगा, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इंबैलेंस किस वजह से आ रहा है आपके घर में। तो ये एक सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, इसको मत खोइए। अभी जैसे हमारी एक कॉलर जुड़ी थी निकिता जी, उन्होंने प्लान भेजा है, तो मेरी कोशिश रहेगी यदि वो मेरे को आज अपनी डायरेक्शंस भेज देती हैं तो मैं कल उनके प्लान को यहाँ पर शो के माध्यम से लूंगा, और जो उन्होंने क्वेश्चंस भेजे हैं साथ में, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको बता पाऊं कि वो वास्तु के किस इम्बैलेंस की वजह से उनको इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम आकाश तत्व की। आकाश तत्व क्या है, आकाश तत्व है मेरी पश्चिम दिशा। आकाश तत्व क्या है, मेरा स्पेस, मेरी खुद की स्वयं की आजादी। जब भी व्यक्ति को लगे कि वह घुट रहा है, वह अपनी बातों को नहीं कह पा रहा है, तो समझिए आकाश तत्व में कहीं ना कहीं इंबैलेंस आ गया है। व्यक्ति बातों को ढंग से नहीं समझा पा रहा है, ना ही सुन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके आकाश तत्व में इंबैलेंस आ गया है। यदि व्यक्ति राइट टाइम पे गेंस नहीं पा पा रहा है तो क्या हो गया, आकाश तत्व इंबैलेंस हो गया। यदि उस पश्चिम दिशा में पेड़ लगा दिए तो क्या होगा, उस व्यक्ति को वात से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी, कहीं ना कहीं उसको एक बेचैनी रहेगी गैस होने के कारण। यहीं इसी तरह से वो हरा रंग भी कर दे तो भी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, साथ ही साथ में यदि उसके अर्थ और वाटर में इंबैलेंस हो गया तो क्या होगा, उसको पित्त से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, और यदि फायर एंड वाटर में इंबैलेंस हो गया तो उसको कफ से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब क्या होगा, समझने की आवश्यकता यहां पर यह है कि हमको इन तत्वों के साथ ही जीना है। इन तत्वों का बैलेंस होना हमारी लाइफ में समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि खाना इंपॉर्टेंट है, जितना कि श्वास लेना इंपॉर्टेंट है, जितना कि बाकी नित्य कर्म इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप लोगों का मन अपने घर में नहीं लगता है
और यदि आपकी चर्चाएं घर में पूरी नहीं हो पाती हैं और झगड़े रहते हैं, तो मैं आप लोगों को आज एक टिप बताता हूं। आप लोग घर से बाहर निकल के उसी चर्चा को दोहराइए और देखिए आपको अपने सोल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर जो इम्बैलेंस है वो बाहर नहीं है। बाहर तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्रह्मांड पूरा है, हमारे घर में ही हम लोगों ने जाने अनजाने में इम्बैलेंस क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे नॉर्थ में स्टोर बना दिया, ईस्ट में हमने बोरिंग कर, ईस्ट में हमने टॉयलेट बना दी है, साउथ ईस्ट में हमने बोरिंग कर दी है जाने अनजाने में, साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, पश्चिम में हमने हरा रंग कर दिया है, या पश्चिम में हमने कोई ट्रायंगुलर शेप की चीजें लगा दी हैं, जिसके कारण क्या है फायर का इंबैलेंस हो जाएगा, तो हमको लाभ टाइम पे नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है, हमको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि यदि मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे वो लाभ नहीं मिल रहे हैं, यदि मेरे द्वारा किए गए कार्यों में मुझे आराम नहीं मिल रहा है, यदि मेरे द्वारा किए गए कार्यों से मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो हमको ध्यान देने की आवश्यकता है और समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में मैंने अपने घर में एक इंबैलेंस क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों अभी आपको मेरी स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है 9818623946। अभी 3 दिन मैं आप लोगों के साथ 3:30 बजे लाइव रहूंगा, तो आप लोग अपने सवाल वास्तु से संबंधित मेरे से पूछ सकते हैं। आपको अपनी राइट डायरेक्शन जाननी है, आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा एंट्रेंस सूटेबल है, आपको ये जानना है कि आपके लिए कौन सा फेसिंग का मकान सूटेबल है, आपका बेडरूम किधर होना चाहिए, आपका किचन किधर लाभप्रद रहेगा, आप मेरे से पूछ सकते हो। मित्रों अभी मैं 3 दिन 3:30 बजे लाइव रहूंगा। यदि आप लोगों के पास अपना ग्रेडेड किया हुआ है, आपके पास नक्शा है और उसमें आप लोगों को डायरेक्शंस निकालने आते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं आप लोगों का नक्शा इस शो के माध्यम से यहां पर दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा आपके द्वारा पूछे गए सवालों के माध्यम से कि आपको किस दिशा से ये प्रॉब्लम आ रही है। और मेरा जितना प्रयास होगा तो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों या सुझावों को या सॉल्यूशंस को मैं आपको यहां पर बता दूंगा, ताकि आप उनको कर लो, ताकि जीवन में जहां सिचुएशन 1 है तो वो 2 पे पहुंच सके, जहां 10 है वो 11 पे पहुंच सके, और जो 3 है वो 4 पे पहुंच सके। एटलीस्ट कुछ तो आगे बढ़ोगे, कुछ आगे बढ़ोगे तो जीवन में आराम आएगा। तो अब क्या है, तत्वों को हमने आज समझा, मैं दोबारा समझाता हूं फटाफट से कि अर्थ और वाटर का इंबैलेंस मेरा जो बात है वो मेरे को कहां से मिलता है, वो मेरे आकाश और मेरे वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन से इंबैलेंस करता है। मेरा जो कफ है, कफ की प्रवृत्ति, वो मेरे कहां से बनती है, वो मेरे को मेरी फायर नहीं मेरे वो अर्थ और वाटर के इंबैलेंस से बनता है। और जो मेरे पित्त की प्रवृत्ति है वो कहां से बनती है, वो मेरे फायर एंड वाटर से बनती है। दोस्तों दोबारा बताता हूं, मेरे जो कफ का इंबैलेंस है वो अर्थ और वाटर के इंबैलेंस से बनता है। जो मेरी बात की प्रवृत्ति है वो मेरे आकाश और वायु के इंबैलेंस से बनता है। और जो मेरी पित्त की प्रवृत्ति है, जो इंबैलेंस आता है वो बनता है कहां से, मेरे फायर और वाटर के इंबैलेंस से। बहुत हद तक हम बिना किसी नॉलेज के भी ये जान सकते हैं कि हमारे घर में वास्तु इंबैलेंस है या नहीं। तो दोस्तों अब समय की सूचना आ गई है कि मेरे को अपना शो फटाफट से खत्म करना है। मेरे द्वारा भी आप में से किसी लोगों को भी जो इस शो को देख रहे हैं और जो नित्य मेरे शो को देख रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखने के साथ साथ यदि सवाल पूछेंगे और मैं आप लोगों का सवाल का जवाब दे पाऊंगा तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और इसी माध्यम से यदि आप लोगों को कुछ आपके सवालों के जवाब मिल पाए और यदि आप लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ उस सवाल उस जवाब लेकर उस कार्य को यदि करते हो तो मेरी बात का विश्वास करना कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ शिफ्ट तो पक्का आएगा। और इसके लिए कुछ वास्तु कंप्लाइंट होने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए, एक नक्शा चाहिए, एक फोन में कंपास का कोई भी एक सॉफ्टवेयर जिसमें डिग्रीज आती हैं वो चाहिए, नक्शा भी नहीं है
तो सिंपली मुझसे पूछ लो, सर मेरी टॉयलेट इतने डिग्री पर है, सर मेरा किचन इतने डिग्री पर है, मेरा चूल्हा इतने डिग्री पर है, मेरा बेडरूम इतने डिग्री पर है, मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। नक्शा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं है, अपने सवालों के साथ नक्शा भेज दो और उसमें डायरेक्शंस मार्क कर दीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कहां से वो इम्बैलेंस आ रहा है और आपके द्वारा किए जाने वाले कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हो और किससे आप अपनी लाइफ में जहां पर हो वहां से आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों और ना ही कोई समय है जहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आगे तो हम कहीं से भी बढ़ सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे ऑफिस में बात करके कंसल्टेशन ले सकते हो। कंसल्टेशन लेने के लिए भी वही सेम प्रोसेस है कि आप लोगों के पास नक्शा होना चाहिए यदि वास्तु से संबंधित कंसल्टेशन लेनी है, नहीं है तो बड़े आराम से नक्शा बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ, ग्राफ पेपर पे मेरे पास लोग नक्शा बना के ले आते हैं, 2-10 स्केल नक्शा चाहिए बस मेरे को, मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोग कोई बहुत बड़े हाईफाई आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाइए, एक ग्राफ पेपर पे नक्शा बना लीजिए 2-10 स्केल अपने हाथों से, उस पे चीजें बना लीजिए और डिग्रीज लेके आ जाइए। ऑफिस में आएंगे तो मैं आपके अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपको बता दूंगा कि आपके घर की डायरेक्शंस कौन सी हैं और किस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं और फिर से एक बार आप लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगेश्वर कृष्णा की जो मैंने आप लोगों को तस्वीर शुरुआत में बताई है, यदि आप लोगों को वो तस्वीर मिल जाए तो अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में लगा लीजिएगा, और साथ ही साथ यदि नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा लाइव इसी शो में।
हाँ जी, फिर दोबारा जाने से पहले लाइट चली गई थी दोस्तों, तो क्या कर सकते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती है। सो आप लोगों को आशा करता हूं मेरी आवाज आ रही है। ओके, सो मैं अपना एंड करने से पहले आप लोगों को यह बता रहा था कि मुझसे जुड़ने के लिए आपको या मुझसे वास्तु की जानकारी लेने के लिए सिर्फ कितना सा काम करना है। बहुत सिंपल स्टेप है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ घर के सेंटर पर जाके खाइए। और आपको यदि ये जानना है कि सर मेरा टॉयलेट किस डायरेक्शन में है, तो वहां उस कंपास के माध्यम से आप डिग्री निकाल लीजिए और वो डिग्री मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। आपकी बर्थ डिटेल्स रहेंगी तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो आपको असर क्या दे रहा है। उसके बाद किचन जाननी है, इसी तरह से बेडरूम जानना है, एंट्रेंस का इफेक्ट जानना है, अपना पॉजिटिव एंट्रेंस जानना है, अपना एक पॉजिटिव मकान की फेसिंग जाननी है। यदि ये जानना है वास्तु से संबंधित, यानी कि कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए, तो आप लोग बड़े आराम से नीचे दिए गए नंबर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए, 9818623946, इस पर शो के दौरान जुड़ सकते हैं और मुझसे आप लोग वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेल आईडी भी है चंद्रेश शर्मा, CHANDREESH शर्मा SHARMAA9@gmail.com। उस पर आप लोग मुझे अपने लेआउट प्लान सवालों के साथ भेज सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूंगा आपके प्लान को। मेरी कोशिश रहेगी इसी प्लेटफॉर्म पे लूं और उस प्लान के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा सकूं कि जो आपने मुझसे सवाल पूछे हैं या जो इश्यूज आपकी लाइफ में है, ये वास्तु की किस दिशा की वजह से आ रहे हैं, और जो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा जो सोल्यूशन है, ताकि आप उसको करके अपनी लाइफ में थोड़ा सा तो शिफ्ट पालोगे। बाकी की चीज बाद में सोच लीजिएगा, पहले थोड़ा सा अपनी लाइफ में शिफ्ट ले आओगे तो आप लोगों को आराम आ जाएगा। ओके, मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मुझसे मिलने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9311552231 पर, ऑफिस टाइमिंग्स दिए हुए हैं 9:30 AM to 6:30 PM पर आप लोग बात कर सकते हो। और साथ ही साथ अपने प्लान को लेकर मेरे से मिल सकते हो, यदि आपको जानना है कि ये मकान जो आप ले रहे हो वो आपको सूट करता है नहीं करता है, या इन फ्यूचर आप लोग कोई मकान अभी आपने पसंद ले लिया है, पसंद किया है लेकिन लिया नहीं है, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मेरे पास ऑफिस आ जाइएगा और ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेके आप आ जाइएगा और मैं आपको बता दूंगा प्लान के ऊपर। मैं आपको बता दूंगा कि आप जो मकान ले रहे हैं वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। चलिए दोस्तों, फिर से आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 3:30 बजे दोबारा जुड़ूंगा आपके साथ फेसबुक और YouTube लाइव के माध्यम से। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।